हम तो ब्राह्मणों को निवेदन करेंगे, बॉडीगार्ड सिक्योरिटी वाले ले लो तो कई बार बॉडीगार्ड ही मशक दे स्वाहा हो जाता, आदमी की तेरे ही हो जाता। पर संतों के लिए बिना पेमेंट के बॉडीगार्ड अगर कोई है तो वो रक्षक श्री हनुमान जी महाराज हैं। संसार का रक्षक तो भक्षक बन सकता है, पर हनुमान जी भक्षक है नहीं है, हनुमान जी रक्षक हैं और भक्षक करने वाले की ही तेरे ही करवा देते हैं। संतों के रखवारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। संतों का मतलब जटाजूट वाला नहीं, संत पेंट शर्ट में भी हो सकता है, तुम में भी संत हो सकता है। संत एक स्वभाव का नाम है। जो सरलता में जीता, भगवान की कथा सुनता, गोविंद के गीत गाता, भगवान के प्रवचनों में आनंद लेता, जो कभी झूठ नहीं बोलता, दूसरों का हित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता, उसी का नाम है साधु। ऐसे भक्तजनों की रक्षा कौन करते हैं भैया, कौन करते हैं बताओ ना? श्री हनुमान जी। अच्छा महाराज, किसी की? हाँ, एक चरित्र सुनो। हनुमान जी का चारों युगों में परिताप, लेकिन एक बार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी जाओ पूजा के लिए पुष्प ले आओ। अर्जुन जी बोले ठीक है सरकार, प्रणाम किया। देखो, श्री हनुमान जी के बिना ना तो राम जी का काम चला ना ठाकुर जी का काम चला। राम के काम में भी श्री हनुमान जी आए और ठाकुर जी के काम कन्हैया के काम में भी श्री हनुमान जी आए। अब दोनों भक्त हैं, श्री हनुमान जी भी और अर्जुन जी भी। श्री हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, अर्जुन जी किनके भक्त हैं? मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को है श्याम सुहाए, दोनों योद्धा एक समान, जैसे अर्जुन वैसे हैं हनुमान। जैसे अर्जुन जी वैसे हनुमान जी। अर्जुन जी फूल तोड़ने के लिए बाटका में गए, कदली नाम के वन में फूल तोड़ने गए। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, पहुंचे अर्जुन कदली वन में, जहां अंजनी जाए, जहां अंजनी जा, जहां पर कदली वन में अंजनी माने श्री हनुमान जी को प्रकट किया था, जन्म दिया था, उतार दिया, तो वहीं अर्जुन जी पहुंच गए। और जाकर के हनुमान जी तो कदली वृक्ष का मतलब केले के पेड़, केले के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में श्री हनुमान जी बैठे। श्री राम जय, राम जय जय राम, बीच में श्री हनुमान जी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज तो सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे थे, इतने में अर्जुन जी ने फूल तोड़ लिए। चोरी से तोड़े तो हनुमान जी कूद करके आ गए। अरे भाई कौन हो? महाराज हम हैं अर्जुन। अर्जुन जी ने, अच्छा भाई पुष्प बिना पूछे क्यों तोड़ लिए? पूछना तो चाहिए, जब हम यहां बैठे हैं तो पूछो। अर्जुन जी बोले पूजा के फूलों के लिए भी क्या पूछना पड़ता है? पूजा के लिए पुष्प ले जा रहे, इसमें क्या पूछना? हनुमान जी बोले देखो भाई, जब हम हैं तो पूछने का तो धर्म है। अच्छा ये छोड़ो, नहीं पूछा तो विचित्र बात है, कोई बात नहीं, ये बताओ किसकी पूजा करनी है? बोले भगवान कृष्ण की। किसने मंगाए?
बोले भगवान कृष्ण ने हनुमान जी हंस के बोले तल ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी चौंक गए कि हंस क्यों रहे, अब जाने क्यों दिया। बोले हमें हंसी इसलिए आ गई, विनोद करने लगे हनुमान जी। बोले हंसी हमें इसलिए आ गई कि जैसे तुम आए भगवान वैसे ही तुम, बे जिंदगी भर चोरी करत रहे सो तुमने करी, कौन सी नई बात है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा, कम से कम ऐसो तो ना बोला, हमारे इष्ट हैं प्रभु हैं। हनुमान जी बोले हमने बुराई थोड़ी की, अब भगवान के गुण भक्त में तो आएंगे ही आएंगे, तुम्हारे भगवान ही ऐसे हैं, उन्होंने जिंदगी भर जो करो सो ले जाओ, कोई कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, ले जा 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 जा। अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन जी बोले वाह हम नहीं, हम जाएंगे क्यों। अच्छा जो बताओ तुम जिंदगी भर राम 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 राम, तुम्हारे राम जी ने क्या किया। हनुमान जी को बड़ा मजा आने लगा, चलो जो बढ़िया लो, कम से कम जी फंस तो गए, हमारे राम जी ने क्या नहीं किया ये पूछो। अर्जुन जी बोले क्या किया, इतने बड़े अगर तुम्हारे राम जी बलवान होते तो बाण को पुल्ला बना देते, बंदरन से पथरा ढुबवा उतरे, बानर भालुओं से पत्थरों का काम करवाते रहे जिंदगी भर, तुम्हारे भगवान बलवान होते बाणों से बना देते। हनुमान जी बोले तुम बना सकत। अर्जुन बोले हाँ हम बना सकते हैं। हनुमान जी बोले राम जी बाणों का पुल बना सकते थे, लेकिन इतनी असंख्य सेना जाई निकलने थी, इसलिए श्री हनुमान राम जी ने पक्का काम किया। भारी सेना का बाणों के पुल से निकलना मुश्किल है। अर्जुन बोले चाहे जैसी सेना हो हम पुल बना देंगे, चाहे जितनी सेना निकाल दो। हनुमान जी बोले तुम सबकी तो छोड़ो, राम जी को एक ही बाणर अगर निकल जाए तुम्हारे पुल के ऊपर तो फिर हम मानिए। अर्जुन जी बोले शर्त लगी। हनुमान जी बोले तैयार। अब दो ही जन की शर्त लग गई। शर्त क्या लगी, श्री हनुमान जी बोले अगर हम पुल को तोड़ दिए वजन से तो। अर्जुन जी बोले अगर आपके चलने से पुल टूट जाएगा तो हम प्राण त्याग देंगे, अगर नहीं टूटा तो। श्री हनुमान जी बोले अगर नहीं टूटा तो आप जो कहोगे हम वो करेंगे, सोच लो। हनुमान जी बोले सोचना क्या है, आहा शर्त लग गई। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन में बाण का पुल बांध दिया था ऊंचा। बाण की वर्षा श्री अर्जुन जी ने की, विशाल काय पुल बांध दिया। और पुल बांध करके बोले हनुमान जी पुल तैयार है, तो हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अर्जुन जी से हनुमान जी बोले एक बार और सोच लो। अर्जुन जी बोले सोचना क्या है, वचन के पक्के क्षत्रिय हैं हम, कह दिया सो कह दिया। हनुमान जी उत्तर दिशा की तरफ गए, श्री हनुमान जी महाराज उत्तर दिशा की तरफ गए तो हजार योजन बदन बढ़ाया। हनुमान जी ने अपना रूप, अब हनुमान जी ने विराट दिखाओ, 1000 योजन का रूप बढ़ाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, मुगदर लाओ कंधे पर रख लिया, 1000 योजन वजन बढ़ाया, गधार धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। श्री हनुमान जी ने 1000 योजन को शरीर बनाओ, अब बनाओ सो तो ठीक है, रोम रोम में एक एक योजन को पत्थर बांध लो। हनुमान जी जब उत्तर दिशा से आए सो अर्जुन की आंखें मिच गई, अंधियारों मच गो, सूर भगवान लो डूब गए। अर्जुन ने नीचे से ऊपर लो देखो सो मो देख ही नहीं पाए हनुमान जी इतने बड़े। अर्जुन जी को दिमाग खराब हो गया कि जो काए, अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मन में सोचने लगे कि ये क्या है, मन में विचार करते आखिर ये क्या है, सोचते रहते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज तो बड़े लीलाधर हैं, इतने लीलाधर हैं, आहाहा, जैसे ही 1000 योजन का पुल बंधा, अर्जुन से बोले तैयार हो। अर्जुन बोले तैयार हैं।
आंखें मुच गईं, आंखें बंद हो गईं, और आंखें जैसे ही बंद हुई सोई हनुमान जी ने पैर रखा सोई धनुष का पुल टूट गया, धस गया, पता ही नहीं चला, स्वाहा हो गया। हनुमान जी मुड़ के देखे, बोले काय भैया कहाँ गाओ तोरा पुल? अर्जुन जी बोले वो तो गाओ, अब पुल भी नहीं बचा है और पुल बांधने वाले भाई नहीं बचेंगे। हनुमान जी बोले मतलब? बोले अब हम मरेंगे। हनुमान जी बोले जिंदगी कीमती होती है, मरो ना। अर्जुन जी बोले कैसे ना मरो, वचन के पक्के हैं। आग लगाने लगे। हनुमान जी बोले हे भगवान जाओ और अच्छी आफत फंसी जा। हनुमान जी बोले मरो ना, हम काऊ है ना बता भी। अर्जुन जी बोले तब क्या हुआ, हम क्षत्रिय वचन के पक्के हैं, हम नहीं मानेंगे, हम मरेंगे। अब हनुमान जी को दिमाग खराब, राग दरबार में। अब हनुमान जी परेशान हो गए, अर्जुन जी माने नहीं, आग लगे जगा लगा भी। अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे, कहूं अर्जुन जी सही में ना बर जावे, राखो लाज हमारी राखो एक ही गिरधारी हते, हनुमान जी तो हजारों गिरधारी बने, लेकिन हनुमान जी कह रहे हे प्रभु हमारी नाक बचा लो, कहूं जे सही में ना मर जाए तो हत्या हमें भोग भी पर राखो ला। दोनों हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारी भी लाज रखो। अब की टे इलाज बचाओ। जैसे ही प्रार्थना की सोई हमारे ठाकुर जी ने लीला की। क्या लीला की? भगवान ब्राह्मण का भेष बन के आ गए। ब्राह्मण बन के आए, अर्जुन जी आग ही लगा उतराए जल बे के लाने। बोले काओ जजमान भोजन बना रहे का? भोजन पका रहे। अर्जुन जी बोले भोजन नहीं पका रहे, भोजन पकावे ही बार वह पक रहा।
भोजन नहीं पकना, पकाने ही वाला पकेगा। क्यों? आप ही बताओ ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय को वचन का पक्का होना चाहिए कि नहीं? भगवान बने ब्राह्मण बोले, भगवान बोले, बोले नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बोले आखिर हुआ क्या है? बोले हमने वचन दिया था कि अगर हम पुल बांधेंगे और अगर हम हार गए तो प्राण त्याग देंगे। भगवान बोले तो फिर अब प्राण त्यागो, अब देर ना करो, जल्दी त्यागो। हनुमान जी बोले जी और भाई साहब खतरनाक आ गए, कछु देर जी मानते भी सो इन्हें तपवा लेने, इन्हें जल्दी तेर ही करवा देने। हनुमान जी बोले कम से कम गम तो खाओ, पूरी बात तो सुनो, उके प्राण ना चले जाने तुम तो कह दे। ब्राह्मण बने भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, देर मत करो, अगर वचन दो तो त्याग, लेकिन एक बात बताओ। भगवान तो छलिया, नटवर छलिया है कन्हैया, नटवर छलिया कन्हैया, नटवर छलिया है, नटवर छलिया हमारे ठाकुर जी छलिया है। सो ठाकुर जी बोले अच्छा जो बताओ, पुल बांधा किसने? अर्जुन जी बोले हमने। तोड़ा किसने? बोले जो भाई साहब खड़े इनने। भगवान ने भी जब आहार रूप देखो सो आहार, लेकिन भगवान तो चतुर, भगवान बोले अच्छा जो तो ठीक है, लेकिन एम्पायरी की नहीं, शर्त तुम्हारी तुम्हारी, पर हिसाब किताब करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तुम दो ही जन निकल रही हो, एक जने मरे जा रहे, कोई तीसरा हो देखने वाला, रहा कोई? हनुमान जी बोले वही तो हमने यहां कही। अब हनुमान जी अंतरक संतुष्टि आई के बचे जा। तो भगवान बोले अच्छा एक काम करो, फिर से बनाओ, दोबारा बनाओ। और हनुमान जी से कहा तुम चलो, अगर टूट जाएगा तो हम हिसाब किताब कर देंगे, जवाब दे देंगे, प्राण त्यागो। हनुमान जी बोले चलो 20 ही मिनट सही। लेकिन अर्जुन जी बोले सुनो, जिस रूप में आए थे उसी रूप में आना। अर्जुन ने फिर से बाण चलाया, पुल बनाया। हनुमान जी उत्तर दिशा में गए, उत्तर दिशा में तूफान सो उठो एक, अर्जुन भानु ही भुलायो, भादों सी अंधियारी, हाय नीच बिन कारण बुलाई मीच, बैर बोधी आज बजरंग ब्रह्मचारी सो पड़ गो पालो। अर्जुन जी ने जब दोबारा देखो कि फिर से हजार योजन एक एक रोम में बड़े बड़े पारवा बांधे, पहाड़ सीधे चट्टान। अर्जुन जी बोले अबे तो मन नहीं है तो का तो मैं भी मारे जाने, कौन बचन क्या है, वो कौन पुल टिकने आए, का ई बार हमने कौन सीमेंट मसा कर दाओ, बाणों का ही तो पुल है, लगता फिर टूट जाएगा। भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, ठाकुर जी कांपत शरीर नैनन सो बहत नीर, अर्जुन जी को शरीर कपन लगो के अब नहीं बचने, तेरा ही हो जाने। कांपत शरीर नैनन सो बहत नीर, हाथ जोड़ विनती करें वीर, बनवारी सो ब्रज पर संकट देख आप गिरधारी। हाथ जोड़कर भगवान को ध्यान अर्जुन करने लगे, हे ठाकुर हे कन्हैया, कांपत शरीर नैनन सो बहत नीर, हाथ जोड़ विनती करत वीर बनवारी सो, ब्रज पर संकट देख आप गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। हे ठाकुर जी, ब्रज के संकट के लिए तो आप तो एक गिरधारी बने जी, हजार गिरधारी आ रहे, इनसे बचाओ। आहा हा, हनुमान जी भी मन ही मन सोचने लगे कि बच जाएं, लेकिन पुल पर जैसे ही पैर रखा सो दबन लगो। ब्राह्मण की तरफ अर्जुन जी देख के बोले अब नहीं बचने यहां, चलो जाने। भगवान बोले तुम तो हाथ जोड़े रहो, कछु नहीं होने। भगवान गए और जैसे ही पुल दबने वाला था, टूटने वाला था, सोई हमारे ठाकुर जी कच्छप बन करके अपनी पीठ लगा लेते हैं और पुल को साध लेते हैं, हनुमान जी को पार करा देते हैं। हनुमान जी पार हो गए। अर्जुन ने जब आंखें खोली सो पुल ज्यों को त्यों, भाई साहब बिल्कुल पार हो गए। हनुमान जी बोले अब बढ़िया रहा। लेकिन हनुमान जी ने देखो कि ब्राह्मण देवता कहां गए, जब नीचे ढूंक के देखो आर जे तो कछुआ बने बैठे, तो राखो लाजे गिरधारी, राखो लाजे। बोलो कच्छप भगवान की।
हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले निकल आओ, हम पहचान गए आप हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे गम, पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। आप छलिया हो निकल आओ, भगवान आयो, भगवान कृष्ण बनकर के प्रकट हो गए। अब अर्जुन जी जीत गए, अर्जुन जी जीते, सो अर्जुन बोले अच्छा तो अब हम बताएं क्या करना है। भगवान बोले अबे नहीं, रोको रोको, इन्हें बेटिंग में रखो, अबे इन्हें काम मत बताओ। क्यों? बोले अभी नहीं, जब काम आएंगे तो हम बताएंगे। हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया, बोले सरकार आपकी जय हो, आप आ गए, कम से कम इनके प्राण बच गए। भगवान बोले, भगवान से बोले, भगवान हनुमान जी बोले हम तो कौतुक कर रहे थे, इन्हें तो सच में हाँ मान ली थी। भगवान ने हनुमान जी पर कृपा की, अब चले गए।